एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो कहना चाहूँगा कि आमिर खान को सबसे पहले ये मूवी देखना चाहिए ताकि उनको समझ में आ जाए कि मूवी होती क्या है, क्या बनाई जाती है। यानी वो कैसे एक डॉक्टर भी थे भगवान कृष्ण, इंजीनियर भी थे, आर्किटेक्ट भी थे, हर प्रकार से कुशल थे। तो यानी जो उनको सिर्फ भगवान मानते ना, तो उनको ये समझना चाहिए वो भगवान नहीं, वो सब कुछ है। हर हिंदुस्तानी को ये देखनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट क्रीड, क्योंकि ये हमारा इतिहास है। तो हमें लगता है कि ये सब देखना चाहिए और स्पेशली बच्चों को जरूर दिखानी चाहिए। एक्चुअली अच्छा बात है, हिंदुत्व का जब सो जितना भी ये है वो सब निकल रहा है बाहर, वो बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली जानना चाहिए, इवन हमारे बच्चों को समझना चाहिए। दैट्स व्हाई हम अपने बच्चों को लेके आए हैं कि एटलीस्ट उन्हें पता चले कि क्या था हिस्ट्री में। उसमें अगर आप ये मूवी देख रहे हो, खासकर मैं उन लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न होने के चक्कर में हमारी कल्चर को, हमारे संस्कृति को, हमारे भगवान को, स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी ज़्यादा खोते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम ज़्यादा मॉडर्न हो रहे हैं तो भगवान वगैरह ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं। नमस्कार दोस्तों, अभी हम कार्तिकेय 2 मूवी देखकर आ रहे हैं और यहाँ पर ऑडियंस निकल रही है, हम पब्लिक का रिव्यू लेंगे। इट वॉज अ वेरी गुड मूवी। एक्चुअली अच्छा बात है, हिंदुत्व का जब सो जितना भी ये है वो सब निकल रहा है बाहर, वो बहुत अच्छी बात है। हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत का इतिहास इस मूवी में देखने को मिला है। तो कैसा लगा कि नई यूथ को देखना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये यूथ को देखना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के यूथ को भी ये बहुत नॉलेजेबल है कि अपना शास्त्र, अपना हिंदुत्व जो है वो सब क्या है, इनका महत्व इधर मालूम पड़ता है धीरे धीरे। सर ये मूवी कार्तिकेय 2 अभी आप देख कर आ रहे हैं और कैसी लगी आपको मूवी? बहुत ही बढ़िया है, और मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी को ये देखनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट क्रीड, क्योंकि ये हमारा इतिहास है। तो हमें लगता है कि ये सब देखना चाहिए और स्पेशली बच्चों को जरूर दिखानी चाहिए, बच्चों को दिखानी चाहिए। और जैसा कि हाल में अभी देख रहे लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट चला है और फ्लॉप हो गई मूवी, लेकिन हफ्ते भर के बाद ये मूवी पूरी हिट जा रही है, सुपर पूरा पूरा हॉल फुल है। तो क्यों, आखिर ऐसा क्या है इस मूवी में? मुझे लगता है कि ये हिस्ट्री फैक्ट्स जो है, जो माइथोलॉजी हम कहते हैं, एक्चुअल वो माइथोलॉजी नहीं है। उसमें एक डायलॉग भी है कि इट्स नॉट माइथोलॉजी, इट इज़ आर हिस्ट्री। तो हमें अपने इतिहास से परिचय करने के लिए ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सर। मैम आप कुछ बताना चाहेंगे? ये इसमें एक सवाल है कि कृष्ण क्या है, तो इस मूवी को देखने के बाद क्या आपको लगा कि जानना चाहिए लोगों को कि कृष्ण क्या है इनके बारे में? एग्जैक्टली जानना चाहिए, इवन हमारे बच्चों को समझना चाहिए। दैट्स व्हाई हम अपने बच्चों को लेके आए हैं कि एटलीस्ट उन्हें पता चले कि क्या था हिस्ट्री में, क्या कल्चर था, जो भी है व्हाटएवर, एटलीस्ट वो बकवास मूवीज से थोड़ा सा हट के है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपनी यू नो हिस्ट्री को पहचान सकें इस मूवी को देख के। बहुत बार मजाक उड़ाया जाता है, बहुत सारी फिल्मों में हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया गया है, देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है, लेकिन इस फिल्म में एक रियलिटी दिखाई गई है। तो क्या ये कारण हो सकता है कि आज बॉलीवुड को छोड़ के लोग साउथ की तरफ झुकाव कर रहे हैं? बिल्कुल, साउथ की मूवीज़ होती हैं नो डाउट, होती हैं बहुत अच्छी, जो कि होती हैं मतलब ओवर भी दिखाया जाता है उसमें, बट स्टिल एक देख के जिसे कहते हैं ना एक इंस्पिरेशन मूवी बनाई गई है, तो वो हमें बहुत इंस्पायर करती है। इवन देखिए आप, इतनी रात तक हमारे बच्चे जग रहे हैं, हम उन्हें लेके आए हैं ये मूवी दिखाने के लिए, अदरवाइज हिंदी मूवीज़ में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिल्म में एक्टिंग कैसी लगी आपको, जो नए हीरो हैं? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी एक्टिंग थी। एंड ओवरऑल आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे? 5/5. थैंक यू वेरी मच। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे, फिल्म कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। अब क्या कहना चाहेंगे हमारी नई जनरेशन, नई यूथ को, इस फिल्म को क्यों देखें वो? इसमें कृष्ण के बारे में बताया गया है, इसलिए इसके बारे में देखना चाहिए लोग। वो पता ही नहीं कि कृष्ण जी क्या थे, क्या गीता थी, क्या उसके बारे में है, तो उसके बारे में अगर जानेंगे तो लोगों को समझ में आएगा। मोस्टली फिल्मों में दिखाया जाता है मैम कि कृष्ण भगवान एक रसिया की तरह दिखाते हैं, कि गोपियों के कपड़े चुराते थे और बांसुरी बजाते थे, मोस्टली फिल्मों में यही दिखाया जाता है, कार्टून्स में दिखाए जाते हैं, लेकिन इस फिल्म में क्या बताया है कि कृष्ण रियल में क्या थे, ये ऐसा कुछ बताया गया? इस फिल्म में बताया गया कि कृष्ण रियल में क्या थे और क्या उन्होंने बताया सृष्टि के बारे में, वो सब कुछ बताया गया। इसमें ये नहीं बताया कि गोपिया का वो कर चुराते थे या वो कन्हैया था, उसकी रियलिटी बताई गई है कि कृष्ण को कैसे जाना जाता है, उसने क्या क्या किया यहाँ के लिए। सर कार्तिकेय 2 मूवी देख के आ रहे हैं आप? हाँ जी। सर कैसी लगी आपको ये मूवी? एकदम मस्त मूवी लगी, फर्स्ट क्लास। आप छोटे छोटे बच्चों को रात का नाइट शो आप दिखाने लेके आए हैं, तो क्या इसके पीछे रीजन क्या था, ऐसा क्या सुना था इस मूवी के बारे में जो आप ये मूवी 6 दिन के बाद रात का नाइट शो देखने आए हुए बच्चों लोगों को लेकर? बच्चे लोगों को लेके इसलिए आए कि इसके अंदर किसे धर्म को बताया गया है, एकदम व्यवस्थित और अच्छा से बताया गया है, इसीलिए हम देखने आए।
कृष्ण इसमें मूवी में बताया गया है कृष्ण एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे और बहुत बड़े भगवान भी थे। कृष्ण के पूरे स्वरूप को बताया गया है कैसे क्या था पुराने जमाने में क्या होता था और आगे समय में आने वाले को उनको पता चल जाता था क्या होना है, इसके लिए पूरा बताया गया है। क्या कह रहे थे, क्या कह रहे सर? यानी वो कैसे एक डॉक्टर भी थे भगवान कृष्ण, इंजीनियर भी थे, आर्किटेक्ट भी थे, हर प्रकार से कुशल थे। तो यानी जो उनको सिर्फ भगवान मानते ना तो उनको ये समझना चाहिए वो भगवान नहीं, वो सब कुछ है, यानी उनको सब कुछ आता था। बेटा आपका नाम क्या है? खुशबू जैन। खुशबू जैन, बेटा आप मूवी देख कर रहे कार्तिकेय 2, कैसी लगी आपको मूवी? अमेजिंग मूवी है। आपने क्या सीखा इस मूवी से, क्या आपको क्या समझ में आया इस मूवी में? कि हमको हिस्ट्री के अकॉर्डिंग रूल्स फॉलो करने चाहिए और अपन नॉलेजेबल होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। तो अब आप इस फिल्म को आप देख के जा रहे हैं और अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि ये फिल्म देखना चाहिए और क्यों देखना चाहिए, वो भी बताएंगे क्यों देखना चाहिए, क्या बताएंगे आप? मैं फ्रेंड्स को बोलूँगी कि ये अच्छी मूवी है, उसको ज़रूर ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इसमें नॉलेज भी है और टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग हिस्ट्री अकॉर्डिंग भी है और एक्सेट्रा ऐसा। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा सर कौन सी मूवी देखकर आ रहे हैं? अभी जस्ट मैंने कार्तिकेय 2 देखा। कार्तिकेय 2 लास्ट, ये नाइट शो आप देखकर आ रहे हैं, कैसी लगी आपको मूवी सर? मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर मैं मूवी के बारे में बात करूँ तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि हमको जानना चाहिए। जैसे उसमें दिखाया गया है कि भगवान को पूजने के पहले हमको भगवान को जानना चाहिए कि हम उसमें, अगर आप ये मूवी देख रहे हो, खासकर मैं उन लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न होने के चक्कर में हमारी कल्चर को, हमारे संस्कृति को, हमारे भगवान को, स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी ज़्यादा खोते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम ज़्यादा मॉडर्न हो रहे हैं तो भगवान वगैरह ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। उन लोगों को खासकर ये देखना चाहिए। इसमें जो मतलब मेन रील में है, मेन रोल में है कार्तिकेय, उनका भी यही सेम कंसेप्ट था कि मतलब भगवान वगैरह ये सब पूजा पाठ हवन वगैरह क्यों कराते हैं, इससे क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को खास करके देखना चाहिए जिनको सब एक कहीं तरह से ढोंग लगता है या फिर कहीं तरह से मतलब ठीक ठाक नहीं लगता, उन लोगों को खास ये मूवी देखना चाहिए। रही बात कि अगर उसमें कृष्ण भगवान की अच्छी खासी दिखाएगी, जैसे कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो एक दिखाया गया है कि मेरे हिसाब से भी मतलब कहीं पर मैंने सुना था या पढ़ा था कि कृष्ण भगवान एक कंप्लीट मैन है, कि जब वो पैदा हुए तब मतलब आज भी अगर एरिया में कोई भी माँ होती है तो वो कहती है मेरा बेटा कान्हा जैसा बने, हर माँ चाहती है मेरा बेटा कान्हा बने। जब मतलब जवानी में आए तब उनको बताया गया कि मतलब आज भी हर कोई मतलब कहीं पे कोई जा रहा है तो बोले बहुत कान्हा बना फिर रहा है। ने एक युद्ध छिड़ा, मतलब एक युद्ध हुआ तो 5 एक नॉर्मल व्यक्ति को लेके कृष्ण भगवान ने विश्व की सबसे बड़ी सेना को हराया। वो एक कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी एक प्रसिद्धि बोल सकते हैं। उसके बाद जब कृष्णा ने ज्ञान दिया एक गुरु जैसा, तो ऐसा ज्ञान दिया जो कि आज गीता में उस चीज़ का काफ़ी वर्णन है। तो कृष्ण भगवान के बारे में भी जिनको जानना हो, कुछ चीज़ें जिसके मन में विचार आते हो, उन लोग को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ये मूवी देखना चाहिए। ओवरऑल आज के डेट में जो न्यू जनरेशन है उनको भी काफ़ी देखना चाहिए मूवी, जिससे उनको समझ में आता है कि मॉडर्न होना अच्छी बात है बट कुछ ना कुछ चीज़ें हमको काफ़ी जानना चाहिए हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो ये बात बता रहे हैं सर, क्या ये मूवी में दिखाई गई है, ये सारी फिल्में बताई गई है कि कृष्ण एक गुरु थे, विश्व गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे और एक तरह से इंजीनियर थे, तो ये मतलब ये सब चीज़ें बताई गई जो आप बोल रहे हैं सब? इसमें एक बेस्ट पार्ट में मतलब अनुपम खेर जी की काफ़ी सराहना करना चाहता हूँ। अनुपम खेर जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से उस चीज़ को प्रेजेंट किया है, काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है जो कि लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ सके कि कृष्ण भगवान डॉक्टर भी थे, कृष्ण भगवान एक आर्किटेक्चर थे, कृष्ण भगवान एक मतलब विश्व गुरु थे, कृष्ण भगवान एक हर एक चीज़ के मतलब ज्ञाता थे, जो चीज़ उनको काफ़ी अच्छे से पता थी। लाइक ए कम्प्लीट मैन जो आपने बोला, मतलब कृष्ण एक कम्प्लीट मैन है जो कहा जाता है, तो उस फिल्म में बताया गया कि वो एक कम्प्लीट मैन है और ये हमारे पूरे यूथ को, हमारे आने वाली जनरेशन को जानना चाहिए, इस फिल्म में दिखाया गया। ये मूवी देखने के लिए काफ़ी देखना चाहिए और कुछ चीज़ें मतलब जैसे अभी लाल सिंह चड्ढा का काफ़ी ज़्यादा चल रहा है ट्रोल की, मतलब लाल सिंह चड्ढा देखो, लाल सिंह चड्ढा देखो, तो मुझे लगता है लाल सिंह चड्ढा फॉरेस्ट गंप की कॉपी की हुई मूवी, जिसमें एक कहीं ना कहीं टेररिस्ट को अच्छा दिखाना, उसके बजाय अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम अध्यात्म से जुड़ेंगे, हमारा जो मानसिक तनाव है उसमें एक मूवी में बेस्ट पार्ट है कि उनकी कार्तिकेय की माँ कहती है कि जब भी कभी भी परिस्थितियाँ कमज़ोर होती है, परिस्थितियाँ खराब होती है, हमको निराश नहीं होना है और हमको अपने निरंतरता से काम आगे करते रहना है और डेफिनेटली हमें परिश्रम का। आज सर एक हफ्ते के बाद ये मूवी देखने आए हैं आप, हाउसफुल थी, तो
और लाल सिंह चड्ढा जहाँ पर आमिर खान जैसे परफेक्शनिस्ट जिनको बोला जाता है सुपर, जिनकी एंट्री मास से 300-400 करोड़ कमाई हो जाती थी, उनकी मूवी दो दिन में गिर जाती है और ये 6-7 दिन के बाद वो हाउसफुल चली, वो भी नाइट शो। तो क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है कि इस मूवी में मतलब रात में भी फुल शो चल रहा है, ऐसा क्या है इस मूवी में? देखिए, मैं एक सनातनी हूँ, एक हिंदू हूँ, हिंदू होने के नाते कुछ चीज़ें पर्सनली हमें भी बुरा लगती थी। अब तक हम लोगों ने काफ़ी सहन किया, जो भी कुछ बॉलीवुड वाले कुछ भी हमारे सामने परोसते थे हमको लगता था ये सही है, हम हमारे भगवान पे ही क्वेश्चन करना चालू करते थे, हमको क्रिश्चियनिटी अच्छी लगती थी, हमको इस्लाम अच्छा लगने लगता था, जबकि सब कुछ जो भी चीज़ें हैं काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर हो रही हैं, हमको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि एग्जैक्टली है क्या, जो भी स्पिरिचुअलिटी से हम जुड़ रहे हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगी उस हिसाब से। चलिए, थैंक यू वेरी मच।